हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने प्रभात प्रसाद शुक्ल लिंकिंग लॉज के माध्यम से आज अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरी कोशिश है आप सबको मैं कुछ मूल बातें किसकी, हिंदी की मूल बातें बताने की कोशिश करूं। हिंदी व्याकरण की कुछ बातें करें हम आपस में, कुछ जानकारियां हासिल करें, और बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके जीवन में, आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, घबराना नहीं, आपको बस अपनी कक्षा में उपस्थिति देनी है, और उपस्थिति भी सजीव रूप से और बहुत ही ध्यान से, जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें, कुछ आगे क्रियाविधि पकड़ सकें। तो दोस्तों, आज हम इस लिंकिंग लॉज के माध्यम से और अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में एकत्र हुए हैं, तो उसका हम सब लोग लाभ उठाएं और उस लाभ को हम अपने जीवन में उतारें, आने वाली परीक्षाओं में इसका प्रयोग करें। तो मैं प्रभाकर शुक्ल आपको आज हिंदी व्याकरण, अब जब हिंदी व्याकरण की चर्चा चलती है तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये हिंदी हमारी भाषा है क्या चीज है? याद रखें, भाषा हमारी मौलिक चीज है, और जब से मानव का जन्म हुआ तब से यह भाषा का भी जन्म माना जाता है। भाषा कोई बीच की पैदा हुई चीज नहीं है। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्ते और जय हिंद इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि भाषा का जन्म हुआ मनुष्य के जन्म के साथ। कोई ये नई चीज, कोई बीच की लाई हुई चीज नहीं है। तो दोस्तों, हम इस भाषा को हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो ध्यान दें, भाषा का मूल शब्द है भाष, अर्थात बोलना। ये बोलना हमारी मूल कौशल, जो चार मूल कौशल माने गए हैं हमारे शिक्षण के, हमारे जो प्रशिक्षण के चार कौशल ही रखे गए हैं, उसमें भाषा के तो बहुत ही, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, और चौथा है लिखना। तो ध्यान रखें, ये क्रम से है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो सुनने की प्रक्रिया करता है। याद रखें, पैदा होने के पहले भी सुनने की कहानी आपने सुनी होगी। कौन सी कहानी? अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए सीख लिया था, सुन लिया था चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। तो इसका मतलब है सुनने की प्रक्रिया बोलने से पहले हो गई, और यह कौशल मनुष्य को जन्म के साथ ही प्रयोग करने को मौका मिल जाता है, और इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। निश्चित रूप से यह हिंदी भी एक भाषा है, और हमारे देश की तो ये मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा के रूप में भी मानी जाती है। तो इसको हम सीखें तो सबसे पहले उस स्कूल को जानें कि जो सुना है हमने, जो हमारा कौशल सुनना। इसलिए अच्छे अच्छे वक्ताओं से आपने सुना होगा, वे सबसे पहला जो वाक्य प्रयोग करते हो यही कि मैंने सुना था। बहुत ध्यान से, जब लोग ध्यान से सुनते हैं वही आगे फ्यूचर में, भविष्य में अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अच्छे बात, कोई भी बात ध्यान से सुनेंगे तभी हमारे जीवन में वो हमारे अंदर घर कर पाएगी, रह पाएगी। अन्यथा यदि हम ध्यान से नहीं सुनते तो आप हमेशा आपस में वार्ता में भी बात करते हुए देखते होंगे, वार्ता करते हुए भी लोगों से सुनते होंगे, कई बार लोग क्या कहते हैं, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ तुम सुन ही नहीं रहे हो। ये साधारण सा वाक्य हो गया है कि इतनी देर से मैं कह रहा हूं तुम सुन ही नहीं रहे हो। तो दोस्तों, ये सुन ना रहना, सुन करके भी ना सुनना, ऐसी स्थिति होती है। तो इसका मतलब है कि मन कहीं और, शरीर कहीं और।
इसलिए याद रखिए कि सुनना पहला कौशल है जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जो दूसरे कौशल की हम चर्चा करते हैं, दूसरा कौशल आता है हमारा बोलने का। जब बच्चा घर में आता है, पैदा होता है, जन्म लेता है, अपने साथियों के साथ, अपने माता पिता, अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़े भाई बहनों के साथ रहता है, तो वो धीरे धीरे सबसे सुन सुन करके बहुत सारे शब्द बोलने की प्रैक्टिस करने लगता है, अभ्यास करने लगता है। तो ये अभ्यास हल्का नहीं है, उसका प्रयास उसका बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो एक एक शब्द आपसे सुन सुन करके वो चयन करता है। उन चयन किए हुए शब्दों में से जो उससे संभव हो पाते हैं वो बोलने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी वो शब्द शुरुआत में पानी को पानी नहीं बोल पाता, कुछ दूसरे शब्द जो उसको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे संकेत के रूप में मुझे ये मिला है, तो उसको जानने की कोशिश करता है। और जितना भी टूटा फूटा शब्द बोलता है, समझने वाले चूंकि संग से असर बहुत पड़ता है, तो संग से उसको, साथ से उसको असर पड़ा और उसने उस चीज को सीख लिया। धीरे धीरे वह बोलने लगता है, स्पष्ट वक्ता हो जाता है। लेकिन बोलने की प्रक्रिया भी उसकी कब सार्थक होती है? जब वह विद्यालय में पहुंचने लगता है। जब विद्यालय में पहुंचेगा तब उसकी उस प्रक्रिया को हम सार्थक प्रक्रिया मानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उस भाषा को अध्ययन करने के स्थान पर, उस प्लेटफॉर्म में जहां पर हम हिंदी भाषा को जानेंगे। तो भाषा हम क्यों प्रयोग करते हैं, पहले वो भी जान लें आप कि भाषा का प्रयोग क्यों होगा। अपने मन के विचारों, भावों, संदेशों और सूचनाओं का जब हम आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे को, मैं अपनी कोई भाव ना आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अपना कोई संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अपनी कोई सूचना आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरे पास अभी तक गुप्त थी, जैसे मैं हिंदी व्याकरण आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं किसका सहारा लूंगा? भाषा का। तो भाषा का सहारा साधारण सहारा नहीं है, इस सहारे को जानेंगे। दोस्तों, आप व्याकरण में कई बार उलझ जाते हैं, कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं कि हम सब ये गलती कैसे हो जाती है और ये इसका सही रूप क्या होगा। आज से अगर हिंदी व्याकरण की आप ये कक्षाएं में उपस्थित रहेंगे, कक्षाओं में ये अटेंड करेंगे, निश्चित रूप से आपकी इन शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं आया हूँ और मैं इन शंकाओं का समाधान करूँगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका बीच बीच में भी आपको होती है, आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं जो हिंदी से संबंधित हो, और मेरे पढ़ाने पर यदि किसी भी प्रकार की अड़चन हो आप बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहां पर आपने देखा, भाषा का मूल भाषा अर्थात मूल शब्द क्या है? भाष से बना है, अर्थात भाष का अर्थ होता है बोलना। जब हम बोलते हैं तो बोलने की प्रक्रिया इस भाष शब्द से बनी है, और भाषा क्या है? ध्वनि से पैदा होती है। दोस्तों, ये अगर आप देखें, मैं हल्का सा हाथ मल रहा हूं, घर्षण हो रहा है, इस घर्षण से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ध्वनि कैसे पैदा होती है? घर्षण से। हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे फेफड़ों में जो प्राणवायु भरी हुई है, वो प्राणवायु जब हमसे बाहर निकलती है, वो बाहर निकल करके हमारे शरीर के विभिन्न अवयव, विभिन्न अंगों से टकराती है, तो हमारी प्राणवायु उन अंगों से टकरा करके विभिन्न उच्चारण, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां करती है। इसीलिए प्राणवायु तो निकली है, लेकिन किन किन अंगों से टकराती है, उन अंगों से टकराने के पश्चात ही वो अपना वर्ण स्पष्ट कर पाती है। तो ध्वनि हमारे बोलने की, हमारी भाषा की और हमारे व्याकरण की सबसे छोटी इकाई हुई। हमारी सबसे छोटी इकाई कौन से हुई? ध्वनि। अब उसी ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं, लिपिबद्ध करना लिखना, तो जब हम ध्वनि को लिपिबद्ध कर देते हैं तो वह बन जाता है वर्ण। ध्यान रखिएगा, ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध करें तो क्या बन जाएगा? वह ध्वनि को लिपिबद्ध करते ही वर्ण का निर्माण होता है। तो यह वर्ण हमने बनाया कैसे? जब हमारी ध्वनि लिपिबद्ध थी की हमने, हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले। अब आप कभी मैं एहसास किया हो कि जो आदमी अपने आप को बहरा कहता है या जो वास्तविक रूप में सुनने में असमर्थ है, आप कुछ बोल रहे हैं वो सुन लेता है, वो सुनता नहीं है,
अगर आपके चेहरे की तरफ उसकी नज़र नहीं है तो वो आपने क्या कहा वो नहीं सुन पाएगा यदि उसके कान खराब हैं। लेकिन आपके चेहरे को देखता है, देखता है कि इसके अंगों में कौन सी प्रक्रिया कहाँ पर सक्रिय है, उनको देख करके वो समझ जाता है, अपने मतलब की चीज़ वो बड़ी जल्दी समझ लेता है और तभी वो उसका उत्तर भी दे पाता है जो आप प्रश्न उससे पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों ये है मुख्य रूप से एक संदेश कि वास्तविक रूप में देखें जब हम वर्णों का निर्माण करते हैं, जब हम वर्णों की बात करते हैं, वर्णों की चर्चा करते हैं, तो ये वर्ण कहां से आए? ध्वनि से। ये ध्वनि से निकले वर्ण हैं हमारे जो अब लिपिबद्ध हो करके आपके सामने आए हैं। तो ये वर्ण, अब समस्या खड़ी हो गई कि वर्ण हम किसे कहें, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उस चीज को जानने के लिए भी आप बहुत अच्छी तरह से देखें कि जब हम वर्णों की चर्चा करते हैं तो वह मुख्य रूप से हमारा संदेश कहां तक पहुंचाते हैं। ये जो है ये जानना भी जरूरी है कि उनको हम कैसे पहचानें। दोस्तों ये तो जिंदगी के देखे व्यवधान हैं, कहीं कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कभी देखिए ये व्यवधान जिंदगी में आते हैं, कभी मनुष्य द्वारा निर्मित व्यवधान होते हैं, मुसीबतें होती हैं, कभी प्राकृतिक व्यवधान होते हैं, और इनसे सबसे बड़ा एक व्यवधान जो होता है वह होता है तकनीकी व्यवधान। प्रकृति भी कुछ नहीं कर पा रही, मनुष्य भी कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये जो तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं इनमें मनुष्य रुक जाता है कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, पुनः नए जोर शोर से और नए जोश से आपका थम्स अप चाहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि हाँ भाई अगर आपको समझ में आया कुछ, जैसे कुछ लोगों ने लिखा है बहुत बढ़िया तरीका है पढ़ाने का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें, अब मैं आपको जो जैसा बताना चाहता था कि वर्ण जो हमारी सबसे छोटी इकाई है बोलने की, भाषा की, व्याकरण की, तो वर्णों का ज्ञान हमें भी करना है। लेकिन ये वर्ण क्या है? भाषा के मूल अंग हमारी ध्वनि है, बहुत वो ध्वनि निकली और जब लिपिबद्ध हो गई तो क्या बना? वर्ण बना। जब हमारी ध्वनि मुंह से निकली और लिपिबद्ध हो गई तो वर्ण बना, और वर्ण जब जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, दूसरे वर्ण का संयोग पाते हैं तो क्या निर्माण होता है? तब शब्द का निर्माण होता है। याद रखिएगा, तभी शब्द का निर्माण होता है, और जब शब्द आपस में जुड़ते हैं उनमें सार्थकता होती है, शब्दों की भी सार्थकता होती है। ध्यान दीजिएगा, निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम बोलचाल में करते तो हैं लेकिन वास्तविक रूप में निरर्थक अर्थ नहीं है। जैसे बहुत से लोग बातचीत में आपसे कहते होंगे खाना वाना खाया कि नहीं, खाना का तो अर्थ हम जानते हैं, वाना का अर्थ है ही नहीं कुछ, लेकिन हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो निरर्थक शब्द केवल बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो आप शब्द वही होता है जो सार्थक हो,
जिसका कोई मतलब हो। बोलचाल में या लिखने में हम भले ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग करें, वो हमारे अंदर क्या रोचकता पैदा करते हैं, थोड़ा अंदर रुचि ला देते हैं, भाषा के सौष्ठव को बढ़ाने के लिए कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जब हम वर्णों का प्रयोग, वर्णों को जोड़ करके बनाते हैं शब्द, तो शब्द फिर निर्मित करते हैं वाक्य। एक शब्द नहीं, अनेक शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। कई बार आपने जीवन में प्रयोग किया होगा कि एक ही शब्द हमने बोला लेकिन अर्थ वाक्य का पूरा निकल गया। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या आप बाजार जा रहे हैं, तो आपने एक ही शब्द बोला हाँ या ना, लेकिन मुझे अर्थ पता चल गया। इसका मतलब है कि उसमें प्रसंग लेना पड़ेगा हमें, तब हमें एक शब्द से और पूरे वाक्य का अर्थ तभी पता चलेगा जब हमारे पास प्रसंग, पूर्व प्रसंग हो। हाँ या ना का अर्थ वैसे हम कुछ भी नहीं ले सकेंगे यदि हमें पूर्व प्रसंग पता नहीं है। तो एक शब्द से वाक्य बन जाता है लेकिन ये प्रसंगगत होता है। अगर सामान्यतया एक वाक्य से हम एक शब्द से वाक्य नहीं बना पाते हैं, इसी तरह है। फिर जब जैसे वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य, तो वाक्यों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, भाषा। याद रखिएगा, वाक्यों को मिलाने से भी भाषा, और भाषा जब हम बात करते हैं तो पुनः मैं उसे विषय पर आता हूं कि क्यों ना हम फिर भाषा का जब अध्ययन करना है तो क्यों ना इसके मूल तक चलें, क्यों ना इसकी जड़ तक जाएं, क्यों ना इसकी जड़ को पकड़ें। कौन सी जड़? वर्ण, जिनका हमें अध्ययन करना है। इन वर्णों को पकड़ें और फिर व्याकरण में इन्हीं मूल अंगों का अध्ययन करें कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, और शब्दों से बने हुए वाक्य क्या हैं, और वाक्यों से कैसे भाषा का निर्माण हुआ है, कैसे भाषा आज हमारे रूपांतरित स्वरूप में हमारे सामने है। आप खुद जानते होंगे, कभी आपने एहसास किया है कि जीवन में शुरुआत में क्या ऐसी भाषा थी? नहीं, कदापि नहीं। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जिसको हम हिंदी भाषा कहते हैं, वास्तविक रूप में हिंदी शब्द खुद हिंदी का नहीं है, ये फारसी शब्द है, लेकिन हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो विभिन्न हमारे हिंदी में ही खुद देशी विदेशी ना जाने कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका हिंदीकरण कर लिया गया है। हिंदीकरण मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज हम सामान्य बोलचाल में जिस हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें विदेशी शब्दों की भरमार है, और उनका सबका हमने हिंदीकरण किया हुआ है, शुद्धिकरण की तरह उनका हिंदीकरण हमने कर लिया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, आप सब लोग जानते हैं कि हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते पढ़ाते हैं, बहुत सही, और उसका प्रयोग हम हिंदी में ही कर रहे हैं। आज सभी कॉलेजों में छुट्टी है, आज सभी स्कूलों में छुट्टी। अरे स्कूलों कहाँ से हो गया, स्कूल शब्द खुद हिंदी का नहीं है, ये तो अंग्रेजी का शब्द है। तो स्कूल का बहुवचन अगर बनाएं तो स्कूल्स होना चाहिए, लेकिन हम उसका हिंदीकरण हमने कैसे किया, आज सभी स्कूलों में छुट्टी है। लीजिए साहब, तो स्कूल का स्कूलों कर दिया और हिंदीकरण हो गया। इसी प्रकार बसों में आजकल बहुत भीड़ है, बसों ये कहां से हो गया, बस तो खुद ही हिंदी का शब्द नहीं है, उसका हिंदीकरण हमने कर लिया। तो हिंदी ने अपनी बोलचाल में बहुत सारे शब्दों को ले लिया है, अपने में समाहित कर लिया है। ये हिंदी, ये धूल निश्चित तौर से ऐसी चीजें हैं कि ये किसी में मिलती नहीं हैं, अपने में दूसरों को समाहित कर लेती हैं। ये भाषा हमारी दूसरे भाषा के शब्दों को समाहित कर लिया और अपने में उसको मिला लिया और अपने जैसे बना लिया। तो दोस्तों, अब हम मूल रूप से जिस चीज की ओर जाना चाहते हैं वो है हमारी व्याकरण की मूल इकाई ध्वनि, और उस मूल इकाई ध्वनि से जो लिपिबद्ध हो जाए उसको हम वर्ण कहेंगे। तो सबसे पहले वर्णों का ज्ञान जानना जरूरी है कि वर्ण क्या हैं, उसको हम सीखें। तो अब वर्णों के पहले मैं एक ये चीज़ यहाँ दिखाना चाहता था, संधि एक संस्कृत शब्द है, संधि संस्कृत शब्द है और संयोग से इसका अंतर है। जैसे संधि में आपने पढ़ा विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया, लेकिन अब अगर मैं कहूं महावृष्टि, तो महावृष्टि में कोई संधि नहीं, ये मात्र संयोग है, दो शब्द मिले तो, लेकिन उनमें संधि नहीं हुई,
दो शब्द या शब्दांश मिल गए, संधि नहीं हुई, संयोग हो गया। वैसे ही जब संधि हो जाती है तो रूप परिवर्तन हो जाता है या विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार मीन्स चेंज, तो वह परिवर्तन होता है या विकार होता है तब जाकर के संधि होती है। निश्चित तौर से आपने इसको समझा, इसको जाना होगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी लिख दिया विद्यार्थी, विकारयुक्त तो शब्द है, संधि है, लेकिन महा प्लस विनाश, महाविनाश एक संयोग है, इसमें कोई संधि नहीं है। क्या आप लोगों ने संधि और संयोग को समझा? पहले ये बताइए मुझे, अगर समझा है तो थम्सअप करिए, और आपको ये चीज समझ में आ गई कि संधि क्या है, संयोग क्या है, तो आप मुझे संकेत करिए, प्लीज बताएं मुझे। निश्चित तौर से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या बात है? क्या इसको आप समझ नहीं सके? वर्णों के पहले मैं यह समझाना चाहता था कि मुझे उसके पहले यह जान ले कि संधि और समास में, संधि और संयोग में क्या अंतर है। हम वर्णों को जोड़ देते हैं, संधि हो जाती है, और जब वर्णों को हम जोड़ नहीं पाते, साथ में रखते हैं, तो साथ में बिठाने मात्र से जो कुछ भी होता है वो होता है, वह है संयोग। गुड, थैंक यू। तो अब आपके अगर ये बात क्लियर हो गई है तो निश्चित तौर से मैं आपको उन चीजों की ओर भी संकेत करना चाहूंगा जिनको आप जानना जरूरी समझते हैं। जैसे कोई भी चीज हमें अगर स्पष्ट ना हो तो उसके मूल तक जाएं तो हम स्पष्ट रूप से उसको जान लेते हैं, हम बहुत जल्दी उसको पहचान लेते हैं। तो मूल चीज को हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो मूल चीज है क्या हमारी। तो थोड़ा आगे की ओर देखें तो आपको पता चल जाएगा, उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द या शब्दांश को, शब्द या शब्दांश, मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, शब्द जिसका पूरा अर्थ हो, शब्दांश जो जुड़ जुड़ करके, किसी से जुड़ करके, शब्द या शब्दांश से जुड़ करके पूर्णता प्रदान कर दे। तो जो पहला शब्द है उसका अंतिम सुविधा के लिए पहले शब्द का या शब्दांश का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द है या शब्दांश है उसका प्रथम वर्ण जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, क्या कर देते हैं, संधि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मिल जाते हैं, इसको आप समझें कि मिलना जरूरी हो जाता है। तो जब मिलेंगे तभी वह संधि के नाम से जाने जाएंगे। तो यह एक हमारे पहचान की बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उनका मेल, उच्चारण सुविधा। मनुष्य चूंकि एक स्वाभाविक रूप से आलसी जीव है, एक समय बचाने वाला, अपने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने वाला व्यक्ति है, और कुछ अपने स्थान को भी बचाना चाहता है कि मिस यूज ना हो, दुरुपयोग ना हो किसी चीज का, इसलिए संधियुक्त पदों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में तो संधियुक्त पदों के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, लेकिन हिंदी में भी अब आजकल काफी हम प्रयोग करते हैं संधियुक्त पदों का, जबकि इसका प्रचलन पहले नहीं था। संधियुक्त पदों का प्रयोग पहले बहुत कम किया जाता था, लेकिन अब उनका प्रचलन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी हमने सीखी है तो संस्कृत की चीज़ हिंदी में भी आई है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम उसकी संधि को भी, हम संधियुक्त पदों का भी प्रयोग करें। और संधियुक्त पद, क्योंकि मैंने कहा ना मनुष्य आलसी है, कम से कम शब्दों में बहुत सारी चीज कह देना चाहता है। हम विद्या अध्ययन के लिए जो केंद्र बने हुए हैं उसको हम कुछ नहीं, इतना बड़ा ना कह करके केवल विद्यालय कह दिया, बात हमारी पूरी हो गई, समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, आलय जो स्थान होता है और विद्या जो विद्या का स्थान होता है, उतना बड़ा वाक्य न, शब्द या शब्द का अंश न प्रयोग करके हमने विद्यालय कह दिया, हमारा काम तो पूरा हो गया। तो इस प्रकार हम संधियां करते हैं अपने समय बचाने के लिए, अपनी शक्ति कम करने के लिए, शक्ति कम हमारी काम में लें, और ये इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें स्थान की भी बचत हो गई, विद्या अध्ययन का केंद्र या विद्या का आलय इतना बड़ा लिखते विद्यालय लिख दिया, हमारा काम तो चल गया, हमारा स्पेस बचा, हमारा क्षेत्र बचा, हमारी जगह बच गई। और एक चीज और खास बात कि हम इनका प्रयोग आज खर्च कम करने के लिए भी करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखें
पेपर खर्च होगा, और आज वैसे भी प्रकृति का नुकसान बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, तो कम से कम प्रकृति का नुकसान हो, इसलिए हमने क्या किया, संधि युक्त पदों का प्रयोग। संधि की उपयोगिता क्या है, हम उपयोगिता यही है कि हमने अपना समय बचाया, अपना स्थान बचाया, और अपने आपकी शक्ति, अपनी ऊर्जा की भी रक्षा की, जिससे उतने समय में हम और अधिक कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो थोड़ा मैं आपको और आगे की ओर ले चलता हूँ। हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में इसके बिना काम नहीं चल सकता, यह आपको बता चुका हूं। तो यह परंपरा जो है यह संस्कृत में तो है, इसलिए आपने देखा होगा बाण जैसे महाकवि संस्कृत में जब कादंबरी लिखते हैं तो पूरा एक शब्द उनका, एक शब्द पूरा एक वाक्य का हो जाता है। वो किसकी बदौलत? संधि और समास की बदौलत। एक शब्द में ना जाने कितनी बड़ी चीज कह दी है, वो शब्द एक पेज में पूरा पूरा लिखा गया। तो वाण जैसे महान कवियों के हाथ से लिखे हुए ग्रंथ होते हैं जो इस तरह की चीज कर पाते हैं। वैसे भी आप देखें तो कई बार हम अपने जीवन में देखें तो अब हम भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जगह हमारी कम है तो हम संधि युक्त समास युक्त शब्दों का प्रयोग करें, प्रत्यय या उपसर्ग लगाएं। इन्हें व्याकरण के इन तत्वों का अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि आज इनकी आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में हो गई है। यहां तक कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा में भी अगर आपके पास समय नहीं है तो आपका प्रश्न पत्र छूट जाता है। अतः जैसे प्रश्न पत्र परीक्षा का होता है, वैसे जीवन में भी हर क्षेत्र में इनकी उपयोगिता है, व्याकरण की उपयोगिता है। हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए व्याकरण का अध्ययन करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए और हम व्याकरण अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। तो दोस्तों, अब मैं आपको वर्णों का थोड़ा ज्ञान करा दूं। वर्ण क्या है, विशेष तौर से वर्णों का ज्ञान क्या है, उसको आप समझ लें। जब हम वर्णमाला की चर्चा करते हैं तो वर्णमाला हमारा मुख्य रूप से, वर्णमाला को जानने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम कुछ सीखें। जैसे मैं वर्ण आपको बताने की कोशिश करूंगा लिख करके अपने हाथ से। जब हम वर्णों की चर्चा करते हैं, निश्चित तौर से सबसे पहले प्राण वायु हमारी अंदर से बाहर निकलती है ध्वनि के रूप में, शरीर के अंगों से, विभिन्न अंगों से, मुख के अंगों से टकराती है और फिर क्रम से वर्ण निकलते चले जाते हैं। उन आधारों पर संस्कृत और हिंदी चूंकि एक वैज्ञानिक भाषा है, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक भाषा में शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि इनका एक निश्चित क्रम है। जैसे आप व्यंजन पढ़ करके आए, क से लेकर ज्ञा तक सारे व्यंजन हैं, इन व्यंजनों को ही आप क्रम से देख लीजिए। सबसे पहले का वर्ग का प्रयोग किया गया, उस का वर्ग को आप जब देखते हैं तो का वर्ग में क्या आपको मिलता है कि क ख ग घ ङ, पूरे पांचों वर्ण कंठ से उच्चारित हैं। हमारे कंठ से उच्चारित होने के कारण हमें क्या करना है, उनको कावर्ग कहा जाता है। तो कंठ से जब उच्चारित हो रहे हैं वर्ण, निश्चित रूप से सबसे पहले प्राणवायु निकली है, फेफड़ों से कंठ से मुलाकात हुई, तो पहला वर्ग हमारा तैयार हुआ कावर्ग। इसके पश्चात दूसरा वर्ग है चावर्ग, कंठ के बाद आता है तालु, हमारे जीभ तालु को स्पर्श करती है, राइट लेफ्ट दाएं बाएं, और जहां से जुड़ी हुई है, कंठ से जुड़ी हुई है, वहां से आगे बढ़ें तो तालु में रखी हुई है और उस तालु ऊपर नीचे के जो दोनों तालु हैं उनको छू रही है। तो हमारी प्राणवायु का दूसरा अंग कौन सा हुआ, तालु। तीसरा अंग जो हमारा होता है मूर्धा का होता है, मूर्धा, तीसरा अंग जो है मूर्धा का होता है। मूर्धा में आप देखेंगे कि जो हमारा श्रेष्ठतम अंग है, जो श्रेष्ठतम अंश है, वो मूर्धा कहलाता है। उस मूर्धा की ओर देखें तो आप बिल्कुल स्पष्ट संकेत कर पाएंगे। तो ये देखिए,
संधि वर्णों का मेल है, अतः वर्णों का ज्ञान अपरिहार्य है, मैं ये आपको बताना चाहता था। तो वर्ण मैं लिखकर बताना चाहता था और सौभाग्य से आपको यहाँ लिखे लिखे मिल रहे हैं, तो उनको आप पर उसका लाभ उठाएं, आपका समय बचेगा। तो ध्यान दें, मैंने सबसे पहले क्या लिखे हैं, स्वर। अ कंठ से निकला है, आ कंठ से निकला है। आज समस्या खड़ी हो गई हमारे विद्यालयों में भी, हम विद्यालय में जाते हैं, अगर उनको स्वरों का, व्यंजनों का, ह्रस्व का, दीर्घ का ज्ञान नहीं होता तो टीचर क्या पढ़ा देते हैं। कई बार गलतियां आप भी पकड़ते होंगे कि बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा बोलो छोटा आ, छोटी ई, जब इतना बोल देते हैं तो छोटी कहाँ रही हो, आप बताएं छोटी रही क्या हो? हमें तो उच्चारण से ही उसकी मात्रा का ज्ञान हो जाना चाहिए, जिसमें हमारी प्राण वायु कम से कम खर्च होती है वह है ह्रस्व या छोटी मात्रा, और जिसमें प्राण वायु हमारी बहुत ज्यादा खर्च होती है वह है बड़ी मात्रा। अ आ इ ई, अगर इसको ध्यान रखें तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, वर्तनी अशुद्धियां आपकी नहीं होंगी। और ये मेरा विश्वास है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इन वर्तनी की अशुद्धियों से भी पूर्णतया बच जाएंगे, और फिर आपको हिंदी में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दे सकेगा, ये विश्वास रखिएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार उ री, हाँ अब इसका उच्चारण ध्यान से सुने, री, और इसी के स्थान पर आजकल जो प्रयोग करने लगे हैं, किसी का नाम है ऋतु, वो ऋतु ना बोल करके क्या बोलने लगे, ऋतु। तो री और री में कितना अंतर है ये आपके बोलने से पता चल जाएगा दोस्तों। तो उसको आप समझे, ऋतु अगर बोल दिया है तो व्यंजन है, रा, रा में एक ही मात्रा लगी है, लेकिन जब आप ऋतु बोलते हैं तो ऋतु में री है स्वर, वह व्यंजन नहीं हो सकता, उसका उच्चारण स्वतंत्र है। तो दोस्तों ये री की ओर पहुंचे, री के बाद ए ए ओ औ, ये तो मूल स्वर हैं, ये हमारे मूल स्वर हैं, कुल मिलाकर के अ से लेकर के री तक ये दो गुण स्वर हैं और ये दो वृद्धि स्वर हैं, लेकिन मैं अभी केवल स्वर बता रहा हूं आपको कि ये हमारे मूलतः इन स्वरों की हम गणना करते हैं। लेकिन ये दो जो स्वरों के साथ ये जो लिखे जाते हैं, इनको आप ध्यान दें, ये दो स्वर भी स्वरों के साथ जो लिखे जाते हैं ये आखिरकार हैं क्या, इसमें अंग और आह। अंग और आह कहते ही अंग आ का उच्चारण किया, उसमें अनुस्वार लगाया, अनुस्वार लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि इसका उच्चारण स्वर के पश्चात हो रहा है। तो स्वर पहले हैं, ये अयोगवाह हैं, साथ में चलने वाले हैं। इसी प्रकार अह विसर्ग है, जब हम पहले आ का उच्चारण करेंगे या किसी भी स्वर का, जरूरी नहीं है आ का उच्चारण, किसी भी स्वर का उच्चारण करें तो उसके पश्चात ही इस विसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, ये विसर्ग कहलाता है। तो हम अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह की श्रेणी में इसलिए रखते हैं कि ये साथ में चलने वाले हैं, स्वरों के साथ बहने वाले हैं, तो इसलिए अयोगवाह हैं। तो ये स्वर और ये अयोगवाह स्वरों के साथ लिखे गए। अब यहां पर व्यंजनों की चर्चा करें तो जब भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे चर्चा की थी कि का वर्ग, ये का वर्ग है पूरा, ये पांच वर्ण जो हमारे हैं ये का वर्ग के कहलाते हैं। आप बोल करके देखिए और अपने कंठ पर यहां उल्टा हाथ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका उच्चारण कंठ से ही हो रहा है, जैसे क ख ग घ ङ, ये कंठ से उच्चारण होता है और इसीलिए इनको कंठ वर्ण कहा जाता है, कंठ से उच्चारित वर्ण। चूंकि वैज्ञानिकता है, हमारी प्राणवायु जहां से निकली है सबसे पहले जो अंग टकराया वो कंठ था। तत्पश्चात देखें ये पांच वर्ण, ये पांच वर्ण हमारे कहलाए कौन से, तालव्य वर्ण, तालु से निकल, तालु से टकराहट से पैदा होते हैं। जब हमारी जीभ तालु के विभिन्न अंगों से टकराती है प्राणवायु को लेकर के जो अंदर से निकली है, तो फिर च छ ज झ य, आप जीभ को देखिए एक ही जगह तालु के एक विशेष अंश से जुड़ करके ही पूरी पंक्ति बोल जाते हैं, च छ ज झ य, कहीं पर कोई आपत्ति नहीं, कोई रुकावट नहीं, और आपने अच्छी तरह से उसको समझ लिया कि ये तालु से बोले जा रहे हैं।
तत्पश्चात हम तीसरे वर्ण की ओर देखें। तीसरा वर्ण हमारा क्या कहता है, तीसरा वर्ग ट ठ ड ढ ण, तीसरा जो वर्ण है, तीसरा जो वर्ग है हमारा ट वर्ग है। अब तालु के बाद आता है मूर्धा का क्रम। मूर्धा कौन सा अंश होता है, हमारे मुंह पर सबसे जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मूर्धा कहलाता है। हमारी जीभ ऐसे पड़ी हुई है, इस मूर्धा की ओर मुड़ करके जाती है और मुड़ करके उस अंग को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, तब हम ट की पंक्ति बोल पाते हैं ट ठ ड ढ ण। अगर हमारी जीभ मुड़ती नहीं है, मुड़ करके मूर्धा की ओर नहीं पहुंच पा रही है, तो दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, कभी भी आप ट वर्ग के किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ट वर्ग का उच्चारण वही कर सकता है जिसकी जीभ मुड़ करके मूर्धा की ओर चली जाती है। तो नहीं तो उसे टमाटर बोलवाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो तमातल बोलेगा, टमाटर नहीं बोल सकता, वो क्या बोलेगा, तमातल। तो निश्चित रूप से आप अगर उसका उच्चारण सुनना चाहते हैं तो जीभ अगर उसकी मुड़ेगी और मुड़ करके मूर्धा को टच करेगी, छुएगी, स्पर्श करेगी, तभी आप उससे ट वर्ग की पंक्ति बुलवा सकेंगे। अब मूर्धा के पश्चात आता है दांतों का नंबर। देखिए क्रमबद्ध, मैंने कहा ना वैज्ञानिकता है हमारे इस वर्णमाला में, वो बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। तो वह अगर उस ओर ध्यान दें तो इस बात को भी कि मूर्धा आई, मूर्धा के बाद फिर दांतों का नंबर आता है। जब हमारी जीभ दांतों या दांतों की जड़ों को छूती है तब जा करके ता वर्ग का निर्माण होता है। ये त थ द ध न, त थ द ध न, इसका निर्माण हो जाएगा त वर्ग का। अब देखिए जीभ आपकी दांत या दांतों की जड़ों को छू रही है, त थ द ध न। दांत, दांतों की जड़ मैं क्यों कह रहा हूं, उन्हें मर्त कहते हैं, क्योंकि बहुत सा आपका प्रश्न उठ सकता है कि जो बूढ़े लोग हैं जिनके दांत गिर गए हैं वे फिर क्या ता वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि दांत ही गिरे हैं, दांतों की जो जड़ों वाला जगह है, मसूढ़े जो हैं वो अभी उनके सलामत हैं, और जब तक वो सलामत हैं तब तक ता वर्ग का उच्चारण आसान रहेगा, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। तो इसलिए ता वर्ग का उच्चारण वहां से और अच्छी तरह से होता है। तत्पश्चात अंतिम अंग आता है होस्ट, हमारे ओंठ जो होते हैं उसको हम अंतिम अंग में रखते हैं, क्योंकि प्राणवायु यहाँ के बाद बाहर हो गई, शरीर का हमारा साथ छोड़ दिया और प्राणवायु, इसलिए पा वर्ग का प्रत्येक वर्ण पा फ ब भ म, प्रत्येक वर्ण देखिए दोनों होठों को स्पर्श करने से ही उच्चारण निकलेगा, नहीं तो आप पापा नहीं बोल सकते, आ आ, आ बोलेंगे, हा हा बोलेंगे, लेकिन पापा का उच्चारण आपके मुंह से नहीं निकलेगा। आप अगर बोलना चाहते हैं पावर्ग का फल बोलना चाहते हैं तो फा में दोनों होठ जुड़ेंगे, और याद रखिएगा अगर फा का उच्चारण करते समय आपका होठ नहीं जुड़ गया तो यह विदेशी शब्द बन जाएगा, जिसको लिखते हम कैसे हैं, ये नुक्ता लगा करके, ये नुक्ता आपने देखा होगा, एक नुक्ता लगा रहता है फा के नीचे। हमारे हिंदी में पांच वर्ण इस तरह के प्रयोग किए गए हैं जिनमें नीचे नुक्ता लगा रहता है, इसके जब विशद व्याख्या करूंगा तो उसको भी स्पष्ट करा दूंगा कि वास्तविक रूप में इसमें कितना बड़ा फर्क होता है। अगर हम इसका उच्चारण करें तो इसमें होंठ नहीं जुड़ेगा, नीचे वाला होंठ जुड़ने की कोशिश में ऊपर जाएगा तो, लेकिन जगह छोड़ देगा, फा फा दांत से छुएगा होंठ को नहीं। इसलिए फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन फख्र की बात है, फल फल जो हम खाते हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको फल कहते हैं, और ये फल क्या है, हम हल की नोक जो होती है उसको फल कहा जाता है, फावड़े की नोक जो होती है उसको फल कहा जाता है, फल फल नहीं। फल तो शुद्धतम रूप में हमारे होंठों को जोड़ने से निकलेगा। इसी प्रकार तो ये जितने भी वर्ग हुए इन पांचों वर्गों के बाद अब आते हैं जो अन्य वर्ण। यहां तक आपने देख लिया कि ये वर्ण कौन से हैं, होष्ठ, होठों से निकलते हैं, ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं ये, और ये दंत्य वर्ण, ये ओष्ठ वर्ण, ये मूर्धन्य वर्ण, और ये तालव्य वर्ण, और ये कंठ वर्ण। स्वरों में भी वही क्रम है, ये दोनों कंठ, ये तालु, ये ओष्ठ, ये मूर्धा, और ये क्रम से जुड़े हुए दो दो वर्णों के संयोग से बने हुए हैं, इसलिए इनका उच्चारण मिश्रित उच्चारण होता है। और हम जब इन सबका अध्ययन करने के बाद अगले कदम की ओर बढ़ते हैं तो आता है अंतस्थ वर्ण।
अंतस्थ वर्ण किसे कहेंगे? हमारी प्राण वायु बाहर की ओर ना जाकर एक जगह स्थिर हो जाए, स्थ अंतः स्थ अंदर ही स्थिर रहे। आप य र ल व चार वर्ण बोलिए और अपने हाथ में छोटा सा पेपर का बहुत हल्का सा टुकड़ा यहां रख करके इन चारों वर्णों का उच्चारण करें, य र ल व। उस पेपर में, उस पत्र के, उस कागज के उस छोटे से टुकड़े में कोई हलचल नहीं होगी क्योंकि प्राणवायु बाहर भटक नहीं रही, फटक नहीं रही, निकल नहीं रही। लेकिन आप उसके बाद के जो वर्ण हैं, ऊष्म व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, श ष स ह, जरा उनको उसी कागज को रख करके बोलिए, कागज का टुकड़ा तुरंत उड़ जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्राणवायु इनके उच्चारण में खर्च होती है, श ष स ह। और आपकी गलतियां जहां होती हैं हिंदी में शुद्धिकरण के लिए, वो है यही वर्ण ऊष्म। इनमें श ष स ह में गलती, चातीन में शाशासा में हम गलती कर बैठते हैं, कौन सा कहाँ का उच्चारण है। इस शा का उच्चारण आप देखें तो ये तालु से होता है, इस शा का उच्चारण मूर्धा से होता है, और इस शा का उच्चारण किससे होगा? दंत से। ये क्रम से तीन तरह स्थानों से उच्चारित होते हैं और जहां से उच्चारण होता है उसी के क्रम में ये रखे गए हैं। तो दोस्तों इस तरह हम देखें तो ये ऊष्म व्यंजन हमारे मिल जाते हैं। तत्पश्चात संयुक्त वर्णों का क्रम आता है। संयुक्त वर्ण है क्ष, ये दो वर्णों से मिलकर बना है, का और श। दूसरा है त्र, ता और र से मिलकर बना है, और तीसरा है ज और य, ज और य से मिलकर के ज्ञ बना है। चौथा है श्र, ये श और र से मिलकर बना है। तो ये कुल मिलाकर के जो हमारी हिंदी वर्णमाला तैयार हुई, ये बताने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको नर्सरी या केजी में ले जाऊं। मेरा मकसद क्या है कि इनको लेकर के जो संदेह, जो किसी भी प्रकार की शंकाएं हैं, उनका आपका समाधान हो सके और आप निडर होकर के आगे के अध्ययन कर सकें। तो इनका प्रयोग संधियों में, इनका प्रयोग समास में, इनका प्रयोग प्रत्यय उपसर्ग में सब जगह है। तो हम इसलिए इनका अध्ययन करना चाहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में तो इनके अध्ययन के बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। तो अब इसमें हमें करना क्या है, मैं आगे कुछ पढ़ाने के पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो हमारे हैं हरेक वर्ग में, ये पांच पांच वर्ण हैं, पूरे पूरे वर्ग देखिए, हरेक में पांच पांच वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 25। और ये 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन है। शरीर के विभिन्न अंगों से टकराने के बाद ध्वनि बाहर हमारी निकलती है, तो इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। ये टोटल गिनती में कितने हैं? 25। और वर्ग कितने हैं? पांच। पांच वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण हैं, तो 25 वर्ण टोटल हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनमें हरेक वर्ग का अंतिम वर्ण, हरेक वर्ग का अंतिम वर्ण, जैसे ग अ ण न म, ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं। नासिक के का मतलब होता है नासिका से, नाक के सहारे से जिनका उच्चारण किया जाए वे नासिक के वर्ण हैं। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि ये नासिक के वर्ण हैं। और पहले और दूसरे किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे, क ख च छ ट ठ त थ प फ, और इन 10 वर्ण जो बचे, इन 10 वर्णों को हम क्या कहेंगे? अघोष वर्ण। ये हमारे, इनके उच्चारण में हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, इसलिए इनको अघोष कहा जाता है। हमारे कंठ में इनमें कंपन नहीं होता, और जब हम तीसरा चौथा वर्ण बोलते हैं तो हमारे कंठ में कंपन होने लगता है, वो कहलाते हैं सघोष वर्ण। तो 10 हुए अघोष, 10 हुए सघोष, और पांच जो अंतिम वर्ण बचे वो है नासिक के वर्ण, उनको नासिक के वर्ण कहा गया है। तो 25 वर्णों का विभाजन इस प्रकार हुआ, ये अंतस्थ वर्ण कहलाए। अंतस्थ वर्णों का दूसरा नाम दिया है अर्ध स्वर,
इनको हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, और ये है ऊष्मा, चूंकि इनमें प्राणवायु हमारी ज्यादा खर्च होती है इसलिए उनको ऊष्मा वर्ण कहा, और ये संयुक्त क्योंकि एक से अधिक वर्णों के संयोग से इनको हमने बनाया है, इनको बनाया गया है, तो ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब जब भी हम अध्ययन करेंगे तो आपसे ये कहने की बजाय कि क ख च छ ट ठ त थ प फ के बाद कौन सा वर्ण, इसके साथ हम क्या कह देंगे किसी भी वर्ग के प्रथम और दूसरे वर्ण के पश्चात, या यूं कह देंगे अघोष वर्णों के पश्चात, किसी भी अघोष वर्ण के पश्चात या किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो ये जब संधि के नियम हम पढ़ेंगे, संधि आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये सब हाँ क्या बहुत से विद्यार्थियों के शक हैं कि आरजे एसओ में इसका क्या लेना देना है, आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, प्रतियोगी परीक्षाएँ आप देने जा रहे हैं, कोई भी न्यायिक परीक्षा देने जा रहे हैं, व्याकरण का महत्व तो ज़्यादा रहेगा ही, साथ में निबंध भी आपको करवाना है, तो अगर व्याकरण सम्मत अशुद्धियाँ नहीं हुई तो आपका निबंध भी बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को राउंड लगाना, रेड पेन से राउंड लगाना बहुत अच्छा लगता है, और जब उसे राउंड लगाने को मिलेगा नहीं तो खींच करके ही सही आपको अच्छे नंबर देकर जाएगा, और जहां उसको राउंड लगाने को मिल गया तो फिर वो सोचता है अब तो नंबर बचे ही नहीं, क्या दूं इसको, परिस्थिति ये आती है। इसलिए दोस्तों आपको गलतियों से बचना है तो पहले व्याकरण की बहुत सारी चीजें हमें सीखनी होंगी, और उन सीखने की प्रक्रिया में आपने अगर अपना कदम बढ़ा दिया है तो अब कदम पीछे हटाना नहीं है, जरूर आप सीखेंगे, आपका विश्वास बताता है कि आप जरूर सीखेंगे, ये मुझे भी लगने लगा है, क्योंकि आपकी हाजिरी और आपकी उपस्थिति और आपका थम्सअप ये मुझे संकेत करता है कि नहीं, जरूर आप सीखने के लिए तत्पर हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। याद रखना, आप हैं तो कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, यदि आप नहीं तो शिक्षक का अस्तित्व नहीं, वो सामान्य व्यक्ति है, वो तो अगर किसी का कोई शिष्य नहीं तो गुरु कैसे हो सकता है, लेकिन शिष्य तो प्रकृति से सीख करके भी शिष्य बन सकता है, गुरु बनने के लिए उसके पास शिष्य होने जरूरी होते हैं। तो मेरी दृष्टि में जितना आपका महत्व है उतना अन्य किसी चीज का नहीं है। तो दोस्तों ये चीज आपको अगर स्पष्ट समझ में आ गई है तो ये मैं आगे कदम बढ़ाऊं, और अगर न समझ में आई हो तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं प्रश्न करने के लिए। मैं एक पल के लिए आपको समय देता हूं, आप प्रश्न करें, मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, और समझ में आ गई है तो फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। देखिए चलिए, वर्ण जब हमने पढ़ लिए, हमने सारे वर्ण पढ़ लिए, स्वर भी पढ़ लिया, व्यंजन भी पढ़ लिया, और अंतस्थ ऊष्म और संयुक्त वर्ण भी पढ़ लिए, तो इन वर्णों के पश्चात हम देखें तो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, संधि। वर्णों के आधार पर संधि कुल मिलाकर के तीन हिस्सों में बांटी गई है। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा, स्वरों का आपस में मेल हो जाता है। स्वर संधि में स्वरों का आपस में मेल, जैसे नदी प्लस ईश नदीश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, आप देख रहे हैं इसमें सब में स्वर पहला शब्द या शब्दांश का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर के जब ये जोड़ते हैं, ये स्वर जुड़ते हैं, तो वहां कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। नयन, नयन में विद्यार्थी वहां भ्रम में पड़ जाते हैं कि यहां स्वर कहां है, यहां तो या है, या क्या कहा मैंने आपको, अर्ध स्वर है। तो नयन जब हम लिखे और उसका संधि विच्छेद हमें नहीं पता है, इसका मतलब है कि व्याकरण अभी हमारी अधूरी है, और उस अधूरी व्याकरण को हमें पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस व्याकरण को पूरा करने के लिए हमें व्याकरण के नियमों को जाना पड़ेगा। नयन में ने और अन, इनको जब हम जोड़ते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुसार ना के साथ आया हुआ ए, अगर हम उसको देखें तो ए जो है ये हमारा जो
थोड़ा एक सेकंड के लिए रुकावट। आपने देखा न के साथ ए की मात्रा है और अन जुड़ा हुआ है, इस ए को हमने बदला आय में एक व्याकरण के नियम के अनुसार, और न के साथ अ जब जुड़ जाता है तो न पूरा बन जाता है, य के साथ जब आ जुड़ जाता है तो य बन जाता है, और न जो शेष बचा था वो हमने रख दिया तो नयन शब्द इस तरह बनता है। तो दोस्तों इसी प्रकार जितने भी स्वर हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो वहां स्वर संधि होती है। अब इसी प्रकार आप और भी अगर अगली प्रक्रिया की ओर ध्यान देंगे तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहां पर बनेगी और कैसे बनेगी, जब कभी व्यंजन के पश्चात, ध्यान देना कितना आसान है पहचानना, कोई कठिन नहीं है, स्वर है पहले उसके पश्चात स्वर आ गया, स्वर संधि हो गई। अब व्यंजन है, व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन के पश्चात क्या आए, स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होगी। निश्चित तौर से स्वर के पश्चात स्वर आए चाहे व्यंजन आए तभी व्यंजन संधि होगी, अन्यथा नहीं। और तीसरे में देखें तो यदि हम तीसरे की ओर चर्चा करें तो विसर्ग होगा पहले और विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन हो तो वहां विसर्ग संधि होगी। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठना चाहिए था जो अभी तक उठकर नहीं आया, शायद इंतजार कर रहे होंगे कि सर खुद ही बता देंगे, तो हाँ तो मैं चलिए बताने जा रहा हूं कि वो जो है स्थिति क्या है, स्वर या व्यंजन कब वो काम करेंगे। यहां पर विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन है, यहां पर व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन है, यहां स्वर के पश्चात स्वर है। लेकिन प्रश्न मेरा था कि यहां विसर्ग के बाद विसर्ग क्यों नहीं है। विसर्ग आप जानते होंगे जब लिखते हैं आप, विसर्ग कैसे लिखा जाता है, ये दो बिंदु होते हैं किसी भी शब्द के पहले, जैसे अतः, अतः लिखते हैं तो अतः में ये दो बिंदु जो होते हैं इनको अतः के रूप में लिखा जाता है। तो इस अतः में इसको लिखने के लिए अतः जैसे लिखें दो बिंदु, तो इनको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। ये विसर्ग हमारे किस काम आते हैं और हम इनका प्रयोग कैसे करें, एक याद रखना, किसी भी शब्द की शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होता, विसर्ग का प्रयोग हम कभी भी नहीं करेंगे शब्द के शुरू में। इसलिए यहां विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन हो सकते हैं लेकिन विसर्ग कभी भी नहीं, क्योंकि विसर्ग से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कभी भी शुरू में नहीं आते, उनको भी आपका ज्ञान होना चाहिए। जैसे कोई भी शब्द इससे शुरू नहीं होगा ङ से, कोई भी शब्द आ से शुरू नहीं होगा, कोई भी शब्द ण से शुरू नहीं होगा। हाँ, आप लोगों में से जो जैन लोग होंगे वे जरूर जानते होंगे कि हाँ ण से तो शुरू होता है, हमारा एक मंत्र शुरू होता है ओम नमो अणिहंतारम, नमो वास्तविक रूप में नमो शब्द था, आप उसको अगर नजरअंदाज कर देंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। इन तीन वर्णों से कोई शब्द उच्चारित नहीं होगा, शुरुआत नहीं होगी किसी भी शब्द की, और इतना ही नहीं एक चौथा ये विसर्ग हो गया, इससे भी कोई शब्द उच्चारित नहीं होता। हिंदी में जो दो आगम वर्ण हैं उनसे भी कोई शब्द उच्चारित नहीं होता। कौन से आगम वर्ण हैं, एक तो ये डा और एक ये ढा, इनसे भी कोई भी वर्ण उच्चारित शुरुआत में इनका प्रयोग किसी भी शब्द में नहीं करेंगे। ढक्कन में भी बिना बिंदु वाला ढा प्रयोग करेंगे, हड़ा नहीं। ये क्या है, हड़ा पढ़ना, पढ़ा है, और ये है ड नहीं है, ये क्या है, हड़ा पेड़ है,
पेड़ है, अगर बिंदु नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा पेड़, अंग्रेजी का शब्द बन जाएगा। इसलिए इस हल्की फुल्की गलती से बचने का एक ही मकसद है, बचाने का एक ही मकसद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि हम जब बिंदु का प्रयोग करते हैं तो नीचे उनका उच्चारण हो जाता है। ये दूसरी भाषा से लिए हुए वर्ण हैं, आगम वर्ण कहलाएंगे, जो हिंदी में हमने इनका प्रयोग शुरू कर दिया है। तो हिंदी में बहुत सारे शब्द, लेकिन किसी भी शब्द के शुरुआत में ये दो, ये तीन और ये एक, इनका प्रयोग कभी भी नहीं होगा। एक और है, कोई भी शब्द आपका इस रेफ से शुरू भी नहीं होता, रा, ध्यान दें, इस रा से भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। ये रा आधा रा है जो किसी भी शब्द के ऊपर आता है, तो इसको भी आप समझें कि इन शुरुआत में नहीं आना। तो ये कुल सात चीजों को अगर याद रखेंगे तो हमारा शुरुआत का शब्द गलत नहीं होगा। तो इनका प्रयोग हम जब नहीं करते तो निश्चित तौर से यहाँ विसर्ग से शुरू होने वाला कोई दूसरा शब्द या शब्दांश नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर। तो स्वर के पश्चात स्वर आए, पहचान बहुत आसान है, स्वर संधि हो गई। व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए, पहचान लिया तुरंत आपने कि व्यंजन है, और फिर आया विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन, विसर्ग है तो विसर्ग संधि हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार कुल मिलाकर के ये संधियां कितनी हुई, तीन, एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। ये क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि आपको वर्णों का वर्गों की पहचान आपको आसान हो जाएगी। हाँ, कुछ विद्यार्थियों की समस्या है, उसका समाधान मैं किए देता हूं। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा अब दिखाई देने लगेगा, क्योंकि मैंने पेन थोड़ा मोटा ले लिया है, उसके लिए माफी चाहूंगा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं उसको एक बार पुनः लिख देता हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे। हाँ तो दोस्तों अब तो बात तो बहुत साफ हो गई होगी, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ तो ठीक है, ये चीज़ आपने पहले बताई होती तो मुझे ज़रूर थोड़ा सा संबल मिल गया होता, फिर भी कोई बात नहीं, जब गलती सुधार लें तभी अपनी लाइफ आगे बढ़ पाती है। हमने गलती को सुधार लिया और आपको भी भरोसा हो गया कि नहीं, गलतियाँ सुधर भी सकती हैं, बड़ी जल्दी सुधर सकती हैं। मेरी तरफ से यहाँ की गलतियाँ सुधर जाएंगी और आपकी तरफ से आपकी व्याकरण सुधर जाए, मेरा भी प्रयास सफल हो जाएगा। वाह क्या बात है। चेतना जी ने, जन चेतना जी ने लिखा, सर आपके जज्बे को सलाम। तो सलाम आपको भी है, क्योंकि आपने अपना वेश कीमती बहुत ही बहुमूल्य समय, बहुत ही बहुमूल्य भी मेरे कहना अनुचित है, सॉरी अमूल्य समय आपने दिया है। तो निश्चित रूप से सलाम तो आपको है, निश्चित तौर से आप आगे बढ़ें। तो आगे की तरफ कदम बढ़ाने के लिए हम और आगे चलें। सबसे पहले मैं ले लेता हूं स्वर संधि। अब मैंने सारे आपको पढ़ा दिए, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है और संधियां किस प्रकार हमने पहचानी। अब हम चलते हैं स्वर संधि की ओर। तो जैसा कि स्वर संधि में मैंने संक्षेप में आपको बताया था कि स्वरों का जो आपस का मेल होता है, हाँ व्याकरण में मैं शुरुआत जो आपको करना चाहता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है, संधियाँ आपको समझ में आ जाएं, संधियों से आप लिंक करेंगे। चूंकि मैं किस स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ, लिंकिंग लॉज पर खड़ा हूँ, जहाँ लिंक करना है। अन अकेडमी के माध्यम से आपको मुझे सही रास्ते पर ले जाना है, सफलता के विजयश्री के मार्ग पर ले जाना है। तो निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चलिए स्वर संधि के विषय में, जैसे मैंने कहा कि स्वरों का आपस का मेल, तो इसको समझ ले कि स्वरों का आपस के मेल से जो उत्पन्न विकार है, विकार का फिर से कहूंगा आप जो है परिवर्तन, विकार का अर्थ ले लें परिवर्तन। वैसे सामान्य बोलचाल में या किसी भी चिकित्सक या डॉक्टर की लैंग्वेज में, भाषा में विकार का मतलब होता है बीमारी, और यहां विकार का व्याकरण में जो मैं अर्थ ले रहा हूं और जो सामान्य अर्थ लिया जाता है, वह विकार का मतलब है परिवर्तन। उसका रूप परिवर्तन जब हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, उस रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। और स्वरों का यह मेल
कितने प्रकार से होता है? पांच प्रकार से होता है। स्वरों के स्मेल को हम पांच प्रकार से जान सकते हैं। वो पांच प्रकार से कौन कौन से प्रकार हैं उनको भी आप अच्छी तरह से सीख लें। पांच प्रकार से कैसे होता है? नंबर एक, सवर्ण या समान मूल स्वरों के आपस के मेल से दीर्घ संधि होती है। अब आपके लिए एक समस्या खड़ी हो गई, यहां एक नया शब्द जोड़ दिया, मूल स्वर। अब ये मूल स्वर कहां से आ गए? ये किस बीमारी का नाम है? तो दोस्तों ये बीमारी अभी दूर होती है। मूल स्वर हम किसे कहेंगे उसको आप थोड़ा सा समझ लें। मूल स्वरों को जानने के लिए आपको थोड़ी देर मेरा साथ देना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो हाँ दोस्तों, मूल स्वर क्या है? अ, आ, ई, ई, उ, री। कुल मिलाकर के कितने हुए ये? सात। सात मूल स्वर हैं। कितने मूल स्वर हैं? सात मूल स्वर हैं। इनको आप अच्छी तरह से जान लें कि सात मूल स्वर आपको इस लेखनी के माध्यम से मिल गए। अब इन सात मूल स्वरों में से ये जो चार हैं, ये चार कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व जिनकी एक ही मात्रा होती है, लघु मात्रा होती है, जिनको छोटी मात्रा के रूप में हम जानते हैं, तो ये चार ह्रस्व स्वर कहलाए, और ये तीन जो हैं ये दीर्घ स्वर कहलाए। दीर्घ स्वर कहलाए। तो दोस्तों अगर ये दीर्घ स्वर हैं, इनको आपने अच्छी तरह से देख लिया कि ये दीर्घ स्वर हैं, तो याद रखिए कि दीर्घ स्वर जहां पर बीच में दिखाई दें तो बिना सोचे समझे हम क्या कह सकते हैं कि दीर्घ संधि है। तो ये दीर्घ जहां पर आपको मिल गया तो दीर्घ संधि का उदाहरण आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत पकड़ सकेंगे कि हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाकर के हम ये सात, कुल मिलाकर के ये सातों क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? मूल स्वरों के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम इनको पकड़ पाएंगे, इनको पहचान पाएंगे जब हम इनको ह्रस्व और मूल के रूप में हम जानेंगे, और तभी हम इनको पहचान पाते हैं। क्या? सवर्ण या समान मूल स्वर। हम समान या मूल स्वर, ये जो है आपको ध्यान देना है कि इन सवर्ण या समान मूल स्वरों को आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लेना है। समान मूल स्वर, मूल स्वर कितने? कुल सात। उन सात मूल स्वरों को आपने जब समझा तो आपकी गलती होने से आप बच जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई गलती आप नहीं कर सकेंगे। सवर्ण या समान मूल स्वरों के आपस के मेल से दीर्घ संधि होती है जब ये आपस में मिल जाएं। अब ये समान मूल स्वरों का मेल कैसे होगा उसको भी आप स्पष्ट रूप से समझें कि ये मेल जैसे हम देखना चाहें तो इसको हम कैसे करें। ये जो है समान मूल स्वर मिलने का, समान मूल स्वर इसका मतलब है अ या अ के पश्चात अ या आ हो, ई या ई के पश्चात बाद में ई या ई हो, उ या उ के पश्चात उ या उ हो, और री के पश्चात री हो। ये समान मूल स्वर है। समान मूल स्वर का मतलब है इस तरह हम समान मूल स्वरों को पहचाने, समान मूल स्वरों को जाने कि ये जो है मूल स्वर कहलाएंगे अ या आ के पश्चात अ या आ ही हो तब दीर्घ संधि होगी,
ई या ई के पश्चात ई या ई हो तब दीर्घ संधि होगी, उ या उ के पश्चात उ या उ हो तब दीर्घ संधि होगी, री के पश्चात री हो तब जाकर के दीर्घ संधि होगी। तो दोस्तों दीर्घ संधि हमने बहुत अच्छी तरह से जान ली कि कब दीर्घ संधि कब हो सकती है, जब इन मूल स्वरों का मेल हो। सवर्ण मूल स्वर, सवर्ण मूल स्वर आपस में मेल खाते हो तब जाकर के वो दीर्घ संधि होती है। ये अय आ, इसमें ह्रस्व और दीर्घ से कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सा पहले आएगा, ह्रस्व आएगा कि दीर्घ आएगा, ह्रस्व और दीर्घ अर्थात छोटा या बड़ा कौन सा आएगा, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। मेन चीज है अब आपको क्या करना है, समान मूल स्वर ढूंढना है, आ या आ के पश्चात अ या आ हो, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, यहां पर हिम में अ है, ये आलय में भी आ है, दोनों मिला करके हिमालय हुआ, निसंदेह आपने समझा। इसी प्रकार वधु प्लस उत्सव, वधु यहां पर वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव में ये जो है आपको में मुख्य पहचान बन जाएगी वधुत्सव, ऊ और ऊ। नदी प्लस ईश, नदीश, यहां पर भी दो दीर्घ स्वरों का मेल हो रहा है, समान मूल स्वर है ई और ई, यहां ऊ और ऊ, यहां अ और आ, यहां री और री, पितृ प्लस ऋण, पितृण। इस प्रकार आप देखें तो जब समान मूल स्वर आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। तो अगर आप अगर ये समझ सके हैं कि दीर्घ संधि होती कहां पर है, तो समान मूल स्वरों की तलाश करें। मूल स्वर कौन से हैं, वो सात मूल स्वर मैंने आपको बता दिए, आपके बोर्ड में लिखे भी हैं, आप उनको स्पष्ट रूप से समझ लें, तब जाकर के आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो सकेगी कि समान मूल स्वरों का मेल जब होगा तभी दीर्घ संधि होगी। दोस्तों आज के इस क्लास के विषय में आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो थोड़ा मुझे फीडबैक दें, और मैं भी जानूं कि आपने कुछ थोड़ा सा ही सही अगर 1% भी सीखा है तो मेरी मेहनत सफल है और आपका आना भी सफल होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मैं प्रतिक्रिया आपकी चाहूँगा, आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और किसी को कोई संदेह हो तो बताएं, अन्यथा आज की क्लास आज यही समाप्त करने के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, लेकिन आपकी